अच्छा गाइस, इनको भी कुछ कुछ बोलना सिखा रहे हैं। बोले तो गुड मॉर्निंग हो गया, एक बज रहा है। गुड आफ्टरनून। आज देखिए, ये हकीकत देखिए इनका। आप फुर्सत के टाइम में क्या करेंगे? क्लास ऑफ। हम लोग फुर्सत के टाइम में वीडियो बनाते हैं और ये फुर्सत के टाइम में गेम खेलते हैं। कि अब हमको खुले पहले नहीं चप्पल पहने ना मंदिर में खेले। सुबह आज करो ना, हमने घर में गेट लगा लिया है। हाय हाय है कजी आ के नहीं कहे छे तो वो अंकल के कॉल लिया अकेले रह छे आ के नहीं कहलो ना शुभम के नाम लगा पापा के घर मम्मी शुभम आहा के ले रहबे घर में के मैं पहले कहले शुभम तो देख लेली परछाई बाथरूम के तो हम तार पापा के कहले आहा के ले रहबे घर में बात को क्लियर करना पड़ा और हां शुभम के नाम लगा पापा के घर मम्मी शुभम आहा के ले रहबे घर में के मैं पहले कहले शुभम तो देख लेली परछाई बाथरूम के बात को क्लियर करना पड़ा वरना बहुत कंफ्यूजन होता है हमारे साथ। खुला परछाई खुला परछाई। हाँ चलो हम चलो लेट्स गो। मंदिर जाने के लिए भी ना कुछ घर में रेडी करना पड़ता है। गाइस अभी हम लोग हम स्टार्ट किए कि नहीं ब्लॉग हमको याद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग निकल गए घर से मंदिर के लिए। आज अमावस्या का सोम है तो सोमवार का व्रत किया हम करते हैं, बहुत दिन से यानी कि मतलब जब आरती हुई थी ना उस बार से, उस टाइम से स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं था, ये मैं सबसे पहले ही स्टार्ट की थी ये व्रत है ना, कुंवारी लड़कियाँ भी करती हैं। इसलिए पहले मैं पैदा हुई इनके घर में लक्ष्मी में। आधा खाद तैयार हुए बाकी चारों साइड घर में सिर्फ एक का कोना में बाकी है ना, पेपर एक कोना में मात्र एक हाथ बाकी के बाद चारों साइड पर नहीं हुई लेकिन पूरा चारों साइड आपके पूजा के लिए भगवान से आज Thank you.
ये वो इतना नहीं तो अभी शाम का टाइम है और कल नवरात्रा है, तो नवरात्रा में हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम सुबह के टाइम सवेरे उठ के, वैसे तो मैं सवेरे पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो अभी हे गाइस, तो अभी शाम का टाइम है, हम मंदिर से आके आराम करने गए क्योंकि व्रत रहता है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा कमजोरी सी फील होता है, तो फिर अभी मैं मंदिर साफ कर ली हूँ, अभी आज ही कर ली हूँ, कल नवरात्रा का दिन रहेगा तो काम भी बहुत रहेगा, तो सोची कि पूजा का तैयारी करूँगी कि मैं बर्तन भगवान का साफ करूँगी कि मंदिर साफ करूँगी, तो इस वजह से मैं आज ही सारा काम कर ली हूँ मंदिर का, और अब जा रही हूँ खाना पकाने, और ये ब्लॉग मेरा ना अभी मैं इसको और आगे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे घर का और भी काम करना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे आज ही देखना है, कल मैं बस पूजा करूंगी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना रहता है ना, और मदद मिलता नहीं है मुझे घर में क्योंकि बच्चा है, वो बच्चा लोग आजकल के कहाँ सुनते हैं किसी की, तो वो सुनते नहीं, तो हम खुद देखना पड़ता है, तो इसलिए हम ये ब्लॉग है ना अभी ख़त्म करते, बाकी हम पूजा का जो भी